हिसार के गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी में छात्रों ने ऑनलाइन परीक्षाएं करवाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। इस दौरान छात्रों ने मांग उठाते हुए कहा कि उनकी वार्षिक परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित होनी चाहिए। बता दें कि प्रदर्शनकारियों में छात्राएं भी शामिल थी। वहीं इस दौरान छात्रों ने चेताते हुए कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती वह संघर्ष करते रहेंगे। इसी बीच छात्रों का एक शिष्टमंडल विश्वविद्यालय के कुलपति से भी मिला। कुलपति से बातचीत होने के बाद प्रशासन द्वारा छात्रों की मांगों को पूरा किया गया, जिसके चलते अब गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय के साथ जितने भी एफिलेटेड कॉलेज लगते हैं उन छात्राओं की परीक्षाएं ऑनलाइन होगी। और जो छात्र रीवैल्यूएशन के लिए फॉर्म भरता है उसकी समस्या का समाधान 60 दिन में किया जाएगा। वही छात्र संघ के प्रधान मनोज सिवाच ने बताया कि गुरु जम्भेश्वर के छात्रों ने ऑनलाइन परीक्षा कराने की मांग को लेकर धरना दिया है। उन्होंने कहा कि कुलपति के साथ बैठक हुई है जिसमें छात्रों की मांग को मान लिया गया है। हमारी मांग थी जी ऑनलाइन एग्जाम की, कि जिस तरह यूनिवर्सिटी प्रशासन यूनिवर्सिटी के बच्चों के ऑनलाइन एग्जाम ले रहा है, उसी तरह जो यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेजों के बच्चे हैं उनके भी एग्जाम ऑनलाइन लिए जाए। इस चीज़ को लेकर हमने सुबह 9 बजे से धरना प्रदर्शन चालू कर रखा था। उसके बाद में भारी मात्रा में हरियाणा पुलिस हमारा स्वागत करने के लिए आई थी। आप कैमरा घुमा के दिखा दीजिए एक बार कितनी पुलिस की संख्या थी और कितनी छात्रों की थी, लेकिन फिर भी छात्रों ने बिल्कुल डिसिप्लिन्ड वे में अपना प्रदर्शन जारी रखा। और उसके बाद में एन मौके पे यूनिवर्सिटी प्रशासन घुटनों पे आई और इसको झुकना पड़ा। और हमारी मांग को मानते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अभी ये लेटर जारी किया है कि जो भी बच्चा ऑनलाइन पेपर देना चाहता है वो अपने रीजन के साथ 27 तारीख तक कॉलेज के अंदर अपना फी काउंटर पे फॉर्म जमा करवा दे, और 30 तारीख को उन बच्चों की लिस्ट लगा दी जाएगी जिनका फॉर्म रिजेक्ट होगा ऑनलाइन एग्जाम के लिए, और इनको फिर से एक मौका दिया जाएगा ऑनलाइन फॉर्म जो देना चाहते हैं फिर से फॉर्म भर के अपना रीजन बदल के वो दे सकते हैं 2 तारीख को। और उसके साथ साथ एक बहुत लंबे समय से हमारी यूनिवर्सिटी में मांग थी कि रीवैल्यूएशन का जो रिजल्ट है उसको आने में ये यूनिवर्सिटी सालों लगा देती है, उसके लिए भी बल्कि बिल्कुल लिखित के अंदर VC साहब ने हमें दिया है कि अब मात्र 60 दिन के अंदर रीवैल्यूएशन का बच्चों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो ये छात्रों की जीत है और यूनिवर्सिटी प्रशासन को अपने घुटनों पे आना पड़ा। और आगे भी अगर छात्रों को कोई परेशानी आती है तो मैं मनोज सिवाच इन छात्रों के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा मिलूंगा। हमारी अब 40 मिनट से ज़्यादा अंदर VC साहब से मीटिंग चली। अंदर का मैं आपको माहौल बताऊं तो भाई बजरंगी बम्बल JSO ग्रुप से मेरे साथ थे, हमने VC साहब को जो कहा VC साहब ने वो हमारे सामने लिखा है। हमने कहा एज इट इज़ वर्डिंग उन्होंने अपने लिख के हाथ से इस लेटर को टाइप करवाया और इस लेटर को जारी किया है। इसके लिए मैं VC साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक भी वर्ड इसके अंदर चेंज नहीं किया। ये छात्र सर एक्चुअली ऐसा था, हम लोगों ने लास्ट मंथ स्ट्राइक हुआ था तो उसमें इन्होंने हमें ऑनलाइन मोड अवेलेबल तो करा दिया, इन्होंने बोला कि हम सारे बच्चों को ऑनलाइन मोड दे देंगे, पर अब ये लोग अपनी बात से पलट गए थे। तो अभी 18 मार्च को इन्होंने दोबारा स्ट्राइक किया था, तब इन्होंने कहा कि ऑनलाइन मोड हम बच्चों को देंगे, पर उसमें उन्होंने इतनी सारी कंडीशंस लगा दी कि कंटेनमेंट जोन से जो बच्चा होगा या कोविड पॉजिटिव होगा किसी की फैमिली में होगा तो उनको अलाउ होगा सिर्फ ऑनलाइन मोड। और उसमें साथ में इन्होंने एक कंडीशन और दिया था कि भाई अगर आप प्रिंसिपल से लिखवा लेते हो कोई रीज़न दे के तो आपको ऑनलाइन मोड दे दिया जाएगा, पर यूनिवर्सिटी कैंपस वाले बच्चों को ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड इनको चॉइस मिली हुई है। हम लोग सिर्फ इतना चाहते थे कि हमें ऑनलाइन मोड ओपन मिल जाए कि जो बच्चा देना चाहता है विदाउट कोई रीज़न दिए उसे ऑनलाइन मोड मतलब ऑनलाइन एग्जाम्स देने का ऑप्शन हो, पर इन्होंने वो हमें गाइडलाइंस नहीं दी। इसलिए आज हम लोग स्ट्राइक पर थे कि हमें ऑनलाइन मोड ऑप्शन में मिले, ऑनलाइन मतलब ओपन हो, बस इतना ही था सर। और हमारी यूनिवर्सिटी का जो है डेट शीट नहीं आई है अभी तक, हमारी सेमेस्टर्स बहुत लेट चल रहे हैं, इतना ही हम लोगों ने डिमांड किया था, बस यही था सर। मैडम सर आज भी हमें इनका ये लेटर आया है हमारे पास कि जो भी हमारा रीज़न होगा वो हमें रीज़न लिखकर फीस काउंटर पे हमें सबमिट करना होगा 27 मार्च तक। फिर 30 मार्च को जिसका भी रीज़न कोई लेटर जो है रिजेक्ट होता है उसकी लिस्ट लग जाएगी 30 मार्च तक, और उसके बाद हमें सेकेंड चांस और मिलता है, हमें 2 अप्रैल तक दोबारा सबमिट करने का फॉर्म। अगर उसके बाद भी हमें रिजेक्ट होता है तो हमें इनको मनोज शिवाच जो है हमारे साथ इनको कॉन्टैक्ट करना है, फिर उसके आगे इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या मतलब जो भी है। वैसे तो 0% चांसेस है कि यूनिवर्सिटी रिजेक्ट नहीं करेगी हमारे फॉर्म्स। ये जो स्टूडेंट्स थे अभी जी, ये एफिलिएटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं और इनकी डिमांड थी कि हमारे पास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से विकल्प हो एग्जामिनेशन का, ठीक है। तो इस बात को पहले भी कंसीडर कर लिया था यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने, दोबारा भी कंसीडर कर लिया है और सभी स्टूडेंट्स को एक विकल्प दिया है कि जो ऑनलाइन एग्जाम देना चाहता है कि वो एक अपना फॉर्म सबमिट करे और कॉलेज में जमा कराए
और वो रीजन जो है उसमें कि किस वजह से वो ऑनलाइन एग्ज़ाम देना चाहता है ना, वो उसमें भर दे, कॉलेज स्तर पे उसको इवेलुएट कर लिया जाएगा। तो जो स्टूडेंट्स जिनको जेन्युइन रिक्वायरमेंट होगी कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन की, तो प्रशासन ने उनको एक विकल्प दिया। अभी जैसे हमारे जो है ना लगभग 22 कॉलेजेस का ये है, अब ऑनलाइन में कितने बच्चों की कंसेंट आएगी ये तो हमें उनके कंसेंट के बाद ही पता लगेगा। दो मेन इशू थे इनके कि भाई एक तो हमें विकल्प दिया जाए ऑनलाइन का भी, वो एक्सेप्ट कर लिया है, और दूसरा था कि हमारा री इवेल्युएशन का रिजल्ट जो है वो जल्दी से जल्दी आ जाए, तो वो भी एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको भी एक्सेप्ट कर लिया। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।